गाइस वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो आज जुमा था और 12 रबीउल अव्वल था, तो हम जुमा पढ़ रहे हैं, खाना वगैरह खा लिया। तो अभी मेरे टायर की फैक्ट्री है फ्लोर मिल, हम वहाँ जा रहे हैं विजिट करने। तो अभी चलते हैं और फिर मैं आपको वहाँ जाके मिलता हूँ। गाइस यहाँ फैक्ट्री में पहुँच चुके हैं, अभी अंदर चलते हैं और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हम फैक्ट्री के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पे मैं आपको आस्ते आस्ते विजिट करा देता हूँ पूरा, यहाँ शुरू से लेके एंड तक। इसके 4-5 फ्लोर्स हैं, ये यहाँ से ऐसे है। यहाँ पे जो गंदम वगैरह आती है पता नहीं क्या हिसाब है, मुझे कुछ याद नहीं रहता। तो ये मैं आपको पूरी फैक्ट्री दिखा रहा हूँ। ये इसका फर्स्ट फ्लोर है, अभी इसके ऐसे ही 2-3-4 और फ्लोर हैं और एक छत है और शायद 4 और फ्लोर्स हैं। ये आटा गंदम वगैरह पड़ी हुई है इस साइड पर भी, ये मशीनरी सारी लगी हुई है। और यहाँ पे जो चोखर वगैरह है, जो तो चोखर यहाँ पे पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं ये चोखर पड़ी हुई है और बाकी ये मशीन्स लगी हुई हैं सारी। और अब मैं ऊपर वाले फ्लोर पे जाता हूँ और आपको मैं ऊपर वाला फ्लोर दिखाता हूँ। ये ऊपर वाला फ्लोर है, यहाँ पे ये मशीनरी लगी हुई है, यहाँ पे ये मशीनरी लगी हुई है और ऐसी ये पूरी मशीनरी। ये पैनल रूम है जो इनका कंट्रोल रूम होता है, इसके अंदर भी मैं आपको जाके दिखाऊंगा ये पूरा पैनल। तो गाइस ये जो मिलर है, जो मैनेजर है उसका रूम है, ये आप देख सकते हैं। ये अभी यहाँ पे फर्नीचर वगैरह उसके चेयर्स टेबल्स वगैरह आने हैं, तो अभी एसी वगैरह भी लगना है। तो अभी थोड़ी बहुत इनकम्प्लीट है, बाकी जल्द पड़ी है। तो ये मैनेजर का रूम है। ये गाइस यहाँ पे छत है, छत मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस ये छत है यहाँ की, ये पहले फ्लोर की, दूसरे फ्लोर की छत है। तो यहाँ से पूरा नीचे दिखता है, ये देख सकते हैं। ये है थर्ड फ्लोर है, यहाँ पे सारी ये मशीन लगी हुई है, मशीनरी ये बड़ी वाली है फुल, ये देख सकते हैं ये फुल बड़ी वाली मशीनरी लगी हुई है। और कंट्रोल रूम मैंने आपको पैनल रूम दिखाया, उसकी कीज नहीं थी, वो भी एक बंदा कीज लेने गया है। ये फाइनल फ्लोर इसके ऊपर है लेकिन खाली बस छत है। तो जो सबसे ज़्यादा फाइनल फ्लोर है ये है, यहाँ पे ये सबसे बड़ी वाली मशीनरी लगी हुई है, ये देख सकते हैं पूरी, ये यहाँ से पूरी मशीनरी यहाँ तक लगी हुई है। और ये वाला पोर्शन भी है, वो मैं दिखाता हूँ आपको। तो गाइस ये उसी फ्लोर की वो ये वाली वो है। अभी ऊपर वाले फ्लोर पे वो जो पिजन्स वगैरह भी हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ, वो जो वर्कर है यहाँ का उसने रखे हुए हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ। बस ये वाले पिजन्स हैं, काफ़ी थे वो, कुछ मर भी गए हैं वो, तो ये नए लेके आए हैं, ये देख सकते हैं इतने प्यारे कबूतर हैं माशाल्लाह। और अभी हम नीचे चलते हैं और यहाँ देखिए कितना प्यारा आया है। तो अभी नीचे चलते हैं और यहाँ पे मेरे टायर का डेरा भी है, वहाँ भी चलते हैं और मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। यहाँ पे वर्कर्स के रूम है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। सारे वर्कर्स के रूम बन रहे हैं, काफ़ी बन गए हैं और अभी बन भी रहे हैं। तो गाइस ये वर्कर्स के रूम अभी रेडी हो रहे हैं, ये देख सकते हैं यहाँ पे ये भी रेडी हो रहे हैं। एक दो यहाँ कोई 4-5 कमरे हैं, ये देख सकते हैं सारे। टायर का डेरा है यहाँ पे, यहाँ से शुरू होता है, यहाँ बाहर गाड़ियाँ वगैरह खड़ी होती हैं और यहाँ पे ये डेरा है। यहाँ पे किचन है, दो कमरे हैं और बाकी वॉशरूम वगैरह सारा। यहाँ छोटा डेरा है, छोटा नहीं है, काफ़ी बड़ा है, लेकिन यहाँ पे गाड़ी खड़ी होती है बाहर ही, और अंदर भी गैराज है, ये काफ़ी जगह है। और यहाँ पे दो कमरे हैं, एक किचन है और ये ग्राउंड है, और पीछे वहाँ पे जो वाली जगह दिख रही है आपको, वहाँ पे वो है बाथरूम है और पता नहीं क्या है। ये कमरा है, एक वो किचन है और जो मेन कमरा है जहाँ पे हम बैठते हैं जब आते हैं, तो ये वाला कमरा है। तो गाइस काफ़ी देर हम यहाँ बैठे हैं, तो अभी काफ़ी देर हो गई है, तकरीबन टाइम हो गया 5:30। तो अभी हम यहाँ से जा रहे हैं वापस घर, क्योंकि बहुत देर हो गई, हम काफ़ी देर यहाँ बैठे हैं, चाय पी है, कोक वगैरह पी के, चाय वगैरह पी के। तो अभी हम वापस जा रहे हैं और यहाँ पीछे देखें बकरियाँ वगैरह चरने आई हुई हैं। शुरू से यही रहना पसंद है गाँव में, क्योंकि नेचुरल माहौल होता है सारा, और मुझे जैसे कि जानवर वगैरह का शौक है, तो मेरा तो दिल करता है मैं यहीं पर रहूँ गाँव में ही। तो अभी हम जा रहे हैं वापस, ये देखें यहाँ ये मज़े हैं, फुल फ्रेश एयर, और यहाँ पे वो बकरियाँ और ये गाय वगैरह चढ़ने आई हुई हैं। और तो मैं इस फैक्ट्री से हम आ गए थे, तो अभी आके मैंने अपने दोस्त से गेम वगैरह खेली है
और अभी मैं काफ़ी थक गया हूँ, टाइम हो रहा है 9:15 का, तो अभी मैं बस सो जाऊँगा। और डॉगी का मैंने आपको कहा था वो आएगा, मैंने बाबा से कल भी बात की थी, रोज़ बात करता हूँ, तो बस थोड़ा सा वेट है। जिस दिन व्लॉग आएगा सरप्राइज़ ही आएगा, मैं ये नहीं बताऊँगा किसी डॉग आ रहा है, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि आ रहा है। तो अभी मैं व्लॉग एंड करता हूँ, जल्दी मिलेंगे अभी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।